हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। GTFI की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही चूंगा कि भाई आपने स्विफ्ट को परचेस कर ली थी। ब्रांड न्यू स्विफ्ट अपने पास अब आ चुकी है, लेकिन भाई अपन ने सिर्फ उसको बुक करके आए हैं। अभी उसका अमाउंट वगैरह देना बाकी है अपने को शोरूम में। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों शोरूम, और वहाँ से अपनी स्विफ्ट को अपन लेके आ जाएंगे घर पर। वहाँ पर जिमी ऑलरेडी पहुँच चुका है शोरूम के तरफ, और अपने को बस वहाँ से अभी जाके पेमेंट करके उस कार को यहाँ पर लेके आने का है। अपने दो बीस्ट की बात की जाए तो भैया स्विफ्ट डिज़ायर और स्कॉर्पियो अपन ने कितने दिन से नहीं चलाया भाई, और इनको रखने के लिए अब जगह तक नहीं है। तो यार क्या लगता है आप लोगों को कि यार स्पेशली इंडियन कार्स के लिए अपने को एक शोरूम खरीदना चाहिए? अगर शोरूम खरीदना चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अपन वहाँ पे सारे इंडियन कार्स के लिए एक बढ़िया सा शोरूम खरीद लेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन कार्स होंगे, बाकी कोई और कार नहीं होने वाली। अगर आपको ऐसा ही शोरूम चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, फिर उसका टूर भी अपन उसको जल्दी बताएंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले अपन शोरूम की तरफ जाएंगे, और अपन ने कल जो स्विफ्ट इंपोर्ट की थी इंडिया से, वो स्विफ्ट के अपन पेमेंट करके आ जाएंगे दोस्तों। अब पेमेंट करने के लिए यार मैं जिमी को भी भेज सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, वो जो बंदा है पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है। या तो वो थोड़े बहुत पैसे इधर उधर उड़ा देता था, और ईएमआई वगैरह कुछ ना कुछ घपला कर देता था। इसी वजह से मैंने सोचा भाई कि पेमेंट मैं ही दूंगा, वो बस कार यहाँ पर ड्राइव करके लेके आ जाएगा, और फिर उसके बाद अपन ऑफरेंडिंग को निकल जाएंगे भाई। क्योंकि देखो अभी पहले ही बहुत टाइम हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी अपने को बस शोरूम पहुँचने का है। शोरूम पहुँचने के बाद भाई बस उसकी पेमेंट करके अपने को गाड़ी को लेके आ जाना है दोस्तों। और बहुत लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई कार रेडी होनी चाहिए, तो इसी वजह से भाई अपन ने रेडी कार को इंपोर्ट किया। वैसे अपने पास अब तीन रेड कार्स हो चुके हैं, जैसे कि अभी देखा जाए तो अपनी हैरियर भी रेड है, अपनी क्रेटा भी रेड है, और अपनी अब स्विफ्ट भी रेड हो गई। तो भाई अब आगे से कोशिश करूंगा कि भाई और कोई रेड चीज़ ना आए, क्योंकि भाई रेड रेड बहुत सारे हो गए, थोड़े डिफरेंट कलर भी अपने को लेके आना चाहिए। और अपनी थार भी रेड, मतलब भूल गया भाई, अपनी ट्रेवर भाई साहब की थार भी रेड हो गई भाई। मतलब कितने ज़्यादा रेड कार्स हो गए भाई अपने पास, ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है। रेड कलर फेवरेट है यार मेरा, नहीं यार आप लोगों का शायद सबसे ज़्यादा रेड कलर फेवरेट है, क्योंकि आप ही लोगों ने यार कमेंट सेक्शन में बोले थे यार बार 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 कि रेड कलर की हैरियर लो, रेड कलर की क्रेटा लो, और रेड कलर की थार लो। भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा था भाई। तो भाई चलो अपन शोरूम की तरफ पहुँच गए, और देखो भाई बिंगो, अपनी रेड कलर की स्विफ्ट वहाँ पर खड़ी है, और इसके बाजू में जिमी भी खड़ा हुआ है। चलो उतरे भाई। तो यार ये जो अपने को स्विफ्ट पड़ी है दोस्तों, इसका टॉप मॉडल है, और ये जो टॉप मॉडल है दोस्तों यहाँ पे अपने को पड़ा है 11 लाख रुपये का। अब भाई इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस मिला के तो भाई इतने का ही पड़ता है टॉप मॉडल। अभी मैं इसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर लेता हूँ भाई, कि इस गाड़ी में कल थोड़ा बहुत मुझे फॉल्ट दिख रहा था, थोड़ी इसकी जो इंडिकेटर वगैरह है बार बार ऐसे चालू हो जा रहे थे रात के टाइम पर ड्राइव करते टाइम। अभी तो वैसे मैं जो इसका एक बार फाइनली अच्छे से चेक कर लेता हूँ, कहीं स्क्रैच वगैरह कुछ ऐसी वगैरह गाड़ी तो नहीं है ये, क्योंकि भाई एक बार गाड़ी ले रहे हैं तो अच्छे से लेंगे भाई, ऑब्वियसली सी बात है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इंटीरियर वगैरह दोस्तों इसका एक बार अच्छे से, कल शाम में दिख रहा था, अभी दिन में बढ़िया देखेंगे। और एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लो भाई, ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे, सब चीज़ वर्क कर रही है, और इंटीरियर वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। इंजन तो भाई इसका हाई अच्छा, कल चलाने में मालूम पड़ गया था टेस्ट ड्राइव के टाइम पे। तो ओवरऑल गाड़ी अपनी परफेक्ट है, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और डीलर ने बोला था कि इसकी जो सारी प्रॉब्लम है वो इंडिकेटर वगैरह की, वो भी फिक्स हो गई है। चलो यार एक काम करते हैं, इसकी पेमेंट करके आ जाते हैं। दोस्तों पेमेंट हमने कर दिया है इस गाड़ी की, अब बस इसको अपने को घर पे लेके जाने का है। चलो बेटा चलो 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 चलो, थोड़ा आराम से चलाना। चलो अभी हम चलते हैं। तो वैसे मैंने जिमी को कहा था भाई कि आराम से चलाना, लेकिन ये लड़का भाई सुनने से रहा। अभी खुद ही देख लो दोस्तों आप, ये लड़का अलग ही अपने स्वैग में गाड़ी चला रहा है। अगर ये ठुक गई तो अमेंडा फिर से चिल्लाना शुरू कर देंगी, और अमेंडा इसके ऊपर भी चिल्लाएंगी, अमेंडा मेरे ऊपर चिल्लाएंगी, और वो ये बोलेंगी कि भाई तुमने उसके हाथ में गाड़ी क्यों दी है, तुम उसका ध्यान रख नहीं सकते थे क्या। ऐसे ही रहते भाई ये लोग, ऐसे ही रहते। अभी मैं उसको बार बार चिल्ला चिल्ला के पीछे से हॉर्न मार मार के थोड़ा थोड़ा उसको स्लो स्लो चलाने को बोल रहा हूँ भाई। लेकिन देखो लड़का, देखो 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 देखो, इतने ट्रैफिक में भी लड़का भाई बंदा अपना 100 के ऊपर चला रहा है। ओ जिमी अच्छे से चला रहे, नहीं तो मत डालूंगा। देखो थोड़ा सा डरता है अपने से, डरता है। अब बार बार सिग्नल भी बहुत मिल रहे यार आज। देखो उसको एक्सेलरेशन, देखो भाई एक्सेलरेशन, भाई जिमी यहाँ पे एक्सेलरेशन टेस्ट मत कर। देखो 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 भाई कैसे भगा रहा है भाई। मैं यहाँ पे इसीलिए बस यही वजह से भाई इसको मैंने पैसे नहीं दिया था, और यही वजह से भाई घर तक मैं इसके साथ चल रहा हूँ। एक बार घर के अंदर इसने गाड़ी पहुँचा दिया ना, फिर मैं यहाँ से निकल जाता ऑफ रोडिंग के लिए। भाई देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ए भाई ठोका रे, ठोका 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 ठोका। क्या जिमी इसको समझ में नहीं आता, इसको घर पर चल कर उसको समझाना पड़ेगा। देखो देखो भाई कितना रैश ड्राइविंग करता है भाई, इसके हाथ से नहीं क्या फॉर्चुनर छीननी पड़ेंगी अब सच में। अगली बार से भाई इसके हाथ में नहीं गाड़ी दूंगा। लो भाई घर में पहुंच गए, अब सीधा गाड़ी लगा देने का गैरेज में, और चुपचाप से सो जाने का ऊपर जाके। तो चलो भाई
अपने छोड़ दिए जिमी को, अभी अब सीधे चलते हैं फ्रैंकलिन भैया के घर। इसके हाथ में तो दोबारा गाड़ी नहीं दूंगा, इससे बेटर रहेगा कि मैं दो चक्कर लगा लूँ, लेकिन इसके हाथ में अगली बार से अब गाड़ी नहीं देना, ये तो मैंने देख लिया। तो अभी चलते हैं अपन फटाफट भाई, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी यार। फ्रैंकलिन भैया अभी चिल्लाएंगे देखना मेरे को, ये बात तो कन्फर्म है फ्रैंकलिन भैया चिल्लाने वाले हैं भाई, ऑलरेडी अपन ने बहुत टाइम लगा दिए। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई ऊपर से। यहाँ पे फिलहाल अभी ट्रैफिक कम दिख रहा है, ये एरिया में ट्रैफिक कम ही रहता, लेकिन सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हैरियर तो भाई देख लो अभी बहुत ज़बरदस्त चल रही है आज, लेकिन इसकी ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस पता चलेंगी भाई आज कैसी है, कितनी ज़्यादा परफॉर्म कर पाती है अच्छे से, या आज पता चल जाएगा भाई। इसके नॉर्मल रोड पे तो इसकी हैंडलिंग सुपर सुपर है सुपर, लेकिन अभी ऑफ रोडिंग देखते हैं इसकी आज। इसके टायर्स अच्छे खासे बड़े हैं तो ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत होंगी नहीं। और वो रहे देखो अपने फ्रैंकलिन भैया खड़े, हाँ जैसा कि मैंने कहा था भाई चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाओ चिल्लाओ भाई। तो फाइनली थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उन्होंने अपनी क्रेटा निकाल ली है यहाँ पे अभी, तो ये देखो इनकी क्रेटा। तो अभी क्रेटा और ये हैरियर जाने वाले हैं माउंट चिलैट पे ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो तो सीधे चलते हैं अपने माउंट चिलैट पे। अभी थोड़ी बहुत इसकी लंबी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएंगी, अच्छी रोड ट्रिप हो जाएंगी अपनी, और ऑफ रोडिंग भी हो जाएंगी। तो चलो भाई चलते हैं। अरे भाई फ्रैंकलिन भैया रुके नहीं मेरे लिए, ओ भाई ये तो बहुत दूर चले गए, क्या बात है भाई, रुकना तो चाहिए था। रुको भाई मैं भी अपनी स्पीड दिखाता भाई, मेरी हैरियर भी की तो क्रेटा से कम है क्या। ये देखो पहुंच गया बहुत जल्दी अपन इनके पास। अब यार अच्छा खासा टाइम अपने को लगने वाला है, क्योंकि देखो गूगल मैप्स के हिसाब से देखा जाए तो यार 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा अपने को ट्रैवल करना है दोस्तों। और यार अभी भी आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आप इंडियन कार्स गेम में किस तरीके से इंपोर्ट करवाते हो, कैसे यार आप इतने सारे इंडियन कार्स गेम में लेके आते हो, हमको कहीं और जगह पे नहीं मिल रहे हैं ये कार्स, तो यार इसका तरीका बता। तो मैंने यार इस वीडियो में ऑलरेडी इसका तरीका बता चुका हूँ, इस वीडियो को हाउ डू आई इम्पोर्ट कार्स, इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि भाई इंडियन कार्स कहाँ से लाते हो। ये आपको सारे मिल जाएंगे दोस्तों Shopify.com पे। Shopify.com एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से आप GTA 5 के लिए इंडियन कार्स को इंपोर्ट करवा सकते हो, जो इंडियन कार से वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो इस स्टोर से पेटीएम के थ्रू। तो अगर जिसको भी भाई अपने गेम में इंडियन कार चाहिए, चाहे कोई भी कार हो इंडियन कार्स हो, यहां पे आपको बुलेट पल्सर स्कॉर्पियो एक्टिवा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है वहाँ पे, और अभी नई वाली स्विफ्ट भी आपको Shopify.com पे मिल जाएंगी। तो अगर आप भी ये कार्स को अपने गेम में चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक कर लीजिए शॉपिफाई के लिंक को, और अगर आपको पसंद आती है तो आप इंडियन कार्स को परचेज करके अपने गेम में इंपोर्ट करवा सकते हो, बहुत ही इजी वे है दोस्तों। और भाई देखो क्या जबरदस्त चल रही है गाड़ियां दोनों भी एकदम स्मूथ, और हमारे सामने एक और क्रेटा चल रही है देख लो साइड में ब्लू कलर की है शायद से, वो भी एक क्रेटा चल रही थी अभी। मतलब भाई क्रेटा तो यहाँ की टॉप सेलिंग कार बन चुकी है दोस्तों, क्रेटा 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 लॉस सैंटोस में आपको क्रेटा ही दिखने वाली है भाई। अपने इंडिया में जिसके बहुत ज़्यादा सेल्स हुए थे यार इस महीने, पिछले महीने भी बहुत सेल्स हुए थे, और देखो एक और क्रेटा भाई, लिटरली भाई क्रेटा का ज़माना चल रहा है भाई, क्या बात है। अभी वैसे किया सेल्टस भी बहुत लोगों ने खरीद लिए दोस्तों, तो मैं भी सोच रहा था किया सेल्टस को इम्पोर्ट करवा लूँ, लेकिन यार आप लोगों ने पहले भी बोले कि भाई बहुत सारी SUVs हो गई, थोड़ी अब बारी है सेडान्स की हैचबैक की, तो हैचबैक तो अपने स्विफ्ट को इंपोर्ट कर दिए, तो अभी यार कुछ अच्छी सेडान बताओ जो अपन इंपोर्ट कर सके। मेरे दिमाग में यार चल रहा है होंडा सिटी चल रही है, मेरे दिमाग में अभी वो भी चल रही है, क्या नाम है उसका भाई, टाटा की टिगोर चल रही है, और उसके अलावा सुजुकी सियाज भी और होंडा अमेज, मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, लेकिन यार आप लोग एक स्पेसिफिक चीज़ बताओ कि भाई कौन सी सेडान अपने को इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने पास फिलहाल तो सेडान अभी माइकल दादा के पास ही है, वो भी एक ही है क्योंकि सुजुकी की डिज़ायर। डिज़ायर के अलावा भाई और कोई सेडान बता सकते होंगे तो बताओ दोस्तों कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुल रहा है भाई, जो भाई आपके दिल में हो वही कमेंट करो भाई, और सबसे ज़्यादा कमेंट जिस सेडान के लिए आएंगे भाई वही इंडियन सेडान अपन इंपोर्ट करेंगे। और कोरोला अल्टिस वगैरह मत बोलना, क्योंकि कोरोला अल्टिस भाई बहुत लोगों ने ऑलरेडी इंपोर्ट करवा ली है, सबके पास है कोरोला अल्टिस भाई, थोड़ी अलग बोलना, जो जैसे कि टिगोर हो सकती है, होंडा सिटी हो सकती है, अमेज हो सकती है, इंडिगो मांजा हो सकती है, बहुत सारी ऐसे सेडान्स यार, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, जो आप लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करोगे अपन वही वाली सेडान इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के लिए भाई अपन रिक्वेस्ट डाल लेंगे, एप्लीकेशन डाल लेंगे भाई, और फिर उसके बाद वो आ जाएंगी अपनी गेम में। और भाई देखो अपना माउंटेन वहाँ से दिख रहा है, अपना माउंट चिड़ियाड़ यहाँ से दिखाई दे रहा है भाई, काफ़ी लंबी ड्राइव रही है, और गूगल मैप्स के हिसाब से भाई अभी भी 4 किलोमीटर और बाकी है भाई,
भाई ये काफ़ी लंबी ड्राइव है भाई, बहुत ही ज़्यादा लंबी पड़ रही है, अभी तक की सबसे लंबी ड्राइव है यार ये। अपने को पूरा लॉस सेंटस पार करके आना पड़ रहा भाई। और देखो भाई अपने फ्रैंकलिन भैया क्या ज़बरदस्त स्पीड में चला रहे हैं आज, ज़बरदस्त स्पीड यार, लिटरली ज़बरदस्त स्पीड। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई आज क्रेटा की जो अगर एक्सेलरेशन स्पीड बोले तो ज़्यादा ज़्यादा लग रही है भाई, या फिर वो फ्रैंकलिन भैया का ड्राइविंग स्टाइल ही ऐसा है कि भाई वो बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से गियर्स वगैरह को चेंज करते हैं, इसी वजह से यार वो उनकी गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त चला, चाहे वो कोई भी गाड़ी चलाए, चाहे वो कोई भी चलाए, चाहे वो स्कॉर्पियो चलाए, लेकिन उनकी जो चलाने का अंदाज़ है ना भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, उनकी जो ड्राइविंग करने की एबिलिटी है ना भाई फ्रैंकलिन भैया की बहुत सही है। और वैसे दोस्तों लास्ट एपिसोड में उन्होंने आपसे ये भी बोला था कि भाई कुछ लोग जो है लॉस सैंटोस में घुस आए हैं और बिना वजह लोगों को मारे जा रहे हैं, मतलब उनके सामने अगर कोई भी आ रहा तो वो उस बंदे को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यार आप लोगों से मैं लास्ट एपिसोड में ये भी पूछ रहा था कि कमेंट करके बताओ कि जो सोशल मीडिया पे इमेज वायरल हो रही है कि ये लोग कौन है, तो आप में से काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन मैं शौक में हूँ कि भाई ये लोग यहाँ पर कैसे आए भाई, मतलब लिटरली आने की वजह क्या हो सकती है, और ये आए हैं तो यहाँ के लोगों को मार क्यों रहे हैं, ये भाई बहुत ही बड़ा मिस्ट्री लग रही है। और फ्रैंकलिन भैया से भी मैंने इस बारे में बात किया हूँ दोस्तों, तो वो भी इस बारे में यही बोल रहे हैं कि भाई उनका दिल भाई घबरा रहा है, मतलब कुछ तो भी ऐसा बड़ा होने वाला है, मतलब ऐसा रहता है ना भाई कि कुछ बुरा होने से पहले भाई थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ जाता, खतरा मिल मालूम पड़ जाता, तो वही भाई फ्रैंकलिन भैया के साथ भी हो रहा है। तो यार संभल के रहना पड़ेगा अपने को भाई, और आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पिछले वीडियो में भी बोला था भाई, लेकिन खतरा बढ़ रहा है भाई। अब देखो भाई फाइनली अपन अब पहुंचने वाले हैं अपने माउंट चिलैट की तरफ, अभी रास्ता वहाँ से आने वाला है, और अभी दोस्तों अपना कच्चा रास्ता शुरू हो जाएगा, अब मालूम पड़ेगा भाई आटे दाल का भाव कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। अब यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं चल रहा, मुकाबला भी होंगे इन दोनों के बीच में। चलो भाई अभी अपने रास्ते पर शुरू हो गई अपनी ऑफ रोडिंग, अभी वैसे रियल ऑफ रोडिंग शुरू नहीं हुई है भाई, अभी तो ये रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होना बस शुरू ही हुआ है, और सामने बहुत सारे खरगोश के बच्चे, भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप में से काफ़ी लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अपन थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, और भी बहुत सारी इंडियन कार्स अपन लेके आएंगे भाई, और बहुत कुछ आगे बढ़िया और इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं यार। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप का कंटेंट और पसंद है, और ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करूँ। अपने फ्रैंकलिन भैया आ रहे हैं, वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो स्लो चला रहा हूँ गाड़ी भाई, क्योंकि भाई अपने दोनों की दोनों कार्स जो है ना बिल्कुल नई नवेली है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा कि मतलब इनके अंदर जो जो आप लोगों ने देखेंगे दोस्तों पावर जो है बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सेलरेट दे के अपनी कार को खाई में गिरवा दूँ। और भाई क्या लग रही है भाई, अब यहाँ पे इसकी ताकत मालूम पड़ रही है, कोई झटका नहीं दे रही भाई। ओ शिट 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 शिट, बहुत अच्छा हुआ कार पे आर्मर रख के अपने, ये तो अभी डेंट पड़ जाता भाई। फ्रैंकलिन भैया थोड़ा आराम से चलाना यार, क्या धंधे कर रहे तुम, पीछे से ठोको मत। अरे फ्रैंकलिन भैया थोड़ा आराम से चलाते नहीं है यहाँ पे भी, इसी वजह से मैं आगे रहता। मैं तो भाई ये बहुत बार निकले माउंट चिलैट से अपनी गाड़ी को गिरवा चुके हैं, अपने हड्डियाँ टुकवा चुके हैं, तो इसी वजह से यार मैं आगे हूँ और ये पीछे रहते हैं। ओ तो यहाँ से अभी अपने को यहाँ से जाने का है लेफ्ट या राइट भाई, ये रास्ते में कन्फ्यूज़ रहता भाई, गूगल मैप्स देखना भूल गया था, सॉरी सॉरी, अपने को लेफ्ट जाने का भाई। फ्रैंकलिन भैया सॉरी, इधर आओ इधर आओ, यहाँ से जाने का है अपने को। वैसे दोनों रास्ते जो ऊपर लेके जाते हैं अपने को, लेकिन ये रास्ता मेरे को थोड़ा बढ़िया लगता, यहाँ पे और अच्छे से ऑपरेटिंग होती। अरे आओ ना भाई, कहाँ चले गए, अरे कहाँ चले गए, वो देखो आ रहे, ये इतना टाइम क्यों लगाते हैं यार आने में। ओ भाई बहुत स्पीड में आ रहे, हो अच्छा हो मैं टाइम के ऊपर ले गया अपनी गाड़ी, नहीं तो भाई ठोक देते मेरे को, बहुत स्पीड में आ रहे वहाँ से। यहाँ पे काफ़ी जानवर भी है, यहाँ पे थोड़ा जानवरों को देख देख के चलाना पड़ता, बार बार खरगोश के बच्चे, और थोड़ा सा अपन ऊपर चल गए तो शेर 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 बोल सकते हैं उनको, वाइट वाइट वाले शेर रहते हैं उनको, कोगर बोलते हैं, कोगर, वो थोड़े कोगर सामने आ जाते। अरे बेटे यहाँ से स्लिप मार रही यार, स्लिप मार रही, बहुत कीचड़ बहुत था यार, कीचड़ की वजह से स्लिप मार रही थी अपनी गाड़ी। और अब देखो दोस्तों चढ़ाई शुरू हो रही है, अभी ये जो रास्ता है अपने को माउंट चिलैट के टॉप पे नहीं लेके जाएगा शायद से, लेकिन फिर भी अपन एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया रोड्स है दोस्तों ऑफ रोडिंग करने के लिए, और काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है अपने को। देख रहे हो अच्छा खासा ऊपर आ चुके हैं वैसे अपन, लेकिन अभी भी टॉप पे नहीं पहुंचे अपन, देख रहे हो भाई ज़बरदस्त, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है इसका। अरे कहाँ चले गए यार फ्रैंकलिन भैया, फिर से गायब हो गए यार। अरे देखो ये पता नहीं क्यों ऐसी हरकत कर रहे बार बार फ्रैंकलिन भैया, उनको बार बार बोल रहा कि मेरे साथ में रहो भाई, साथ में रहो, नहीं तो भाई गाड़ी गिरवा देंगे अपनी यार। अभी थोड़ा सा देखो अब सामने ढलान आ रही है, यहाँ पे स्पीड अपने को कम करनी पड़ेगी दोस्तों,
भाई ढलान आ रही है, देखो भाई थोड़ा स्लोली स्लोली स्लोली, चलो अब थोड़ा फिर से ऊंचाई आ गई है। देख रहे हो यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरे भयंकर तरीके से मोड़ है। और देख रहे हो भाई कितने ऊपर तक आ गए अपन, ओ भाई साहब कितने ऊपर तक दिख रहे हो, अरे बाप रे भाई देख रहे हो, जबरदस्त भाई जबरदस्त। मेरे ख्याल से अपनी गाड़ी के नीचे अभी कोई आया है, खरगोश का बच्चा था शायद से, इसी वजह से यार मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाने से डरता हूँ यार, क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी के नीचे आ ही जाता। फिर बोलते हैं लोग क्या सैलमोन भाई से ड्राइविंग सीखी थी क्या? और देखो भाई ज़्यादा ही ऊपर आ गए भाई, सामने रास्ता तो है ना, एक बार देख लेता हूँ भाई अच्छे से, रास्ता तो दिख रहा है भाई सामने अच्छे से, चलो आराम से चलना पड़ेगा भाई, ढलान है पूरी, कोई बैरियर्स तक नहीं है, मतलब भाई अगर किसी का ब्रेक वगैरह फेल हुआ तो सीधा खाई में। अरे यार ये नीचे लेके जा रहा है क्या भाई अपने को? ओ भाई ये तो गलत रास्ते आ गए, शिट 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 शिट, भाई अपन गलत रास्ते आ गए भाई, मैं रास्ता भूल गया, मुझे गूगल मैप के हिसाब से जाना चाहिए था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने दोस्तों यहाँ से यू टर्न ले लिए, अभी गूगल मैप्स को ही फॉलो करते हैं। मुझे लगा था भाई यहाँ से उस तरफ रास्ता होगा, लेकिन भाई रास्ता पूरा सामने का टूटा फूटा है, गायब ही रास्ता लगता है, रास्ता पूरा टूट गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब अपन यहाँ पे आए थे दोस्तों तो रास्ता था यहाँ पे, अभी रास्ता नहीं है, क्या कर सकते भाई। ओ बाप रे बाप रे बाप, भाई आराम से थोड़ा सा भाई, यार कितनी नीचे है ये, रिटर्न आते टाइम दिख रहा भाई कितनी ज़बरदस्त ढलान है यहाँ पे। फ्रैंकलिन भैया तो एकदम ही पीछे चिपक के चल रहा है, थोड़ा आराम से चलो फ्रैंकलिन भैया, कोई घाई नहीं है अपने को, धीरे चल घाई नहीं है। देखो यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है भाई, ये यहाँ पे यार ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, मैं शायद डॉगी के साथ वॉक कर रहा था भाई। ये अपने फ्रैंकलिन भैया भी आ गए, ये थोड़ा स्लो चला रहे हैं, शायद इनको पूछना पड़ेगा कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही। अभी वैसे अभी गूगल मैप्स के हिसाब से देखा जाए तो बस अपने को 1 किलोमीटर और बस चलना है दोस्तों, उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे माउंट चिलैट के टॉप पे, लेकिन वो 1 किलोमीटर ही काफ़ी भारी पड़ रहा है अपने को चलाने के लिए। अरे आओ जी फ्रैंकलिन भैया, बार बार पता नहीं क्यों रुक क्यों जा रहे हैं, बार बार यार दिमाग ख़राब कर रहे। अबे थोड़ा सा रास्ता बचा यार, उस पर भी ऐसे हरकतें कर रहे। हाँ अभी यहाँ से अपने को माउंट चिलैट के टॉप पे चढ़ना है, ये रास्ता आ चुका है, और अभी यहाँ पे देखो बंदा हाइक भी कर रहा है, गाड़ी को देख के आवाज़ सुन के डर गया भाई बंदा। हाँ अभी यार अपने को बहुत बढ़िया चलाना पड़ेगा, ओ भाई उछल गई मेरी गाड़ी अभी सही। अरे हाँ ये यहाँ से, ओ भाई चल 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 चल, थोड़ा टायर स्लिप मार रहे यार, गाड़ी के टायर स्लिप करना शुरू कर दिए, शे अरे बाप रे यार, शिट 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 शिट, टायर स्लिप कर रहे थे यार पूरे, यार ये चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगी, मतलब टायर स्लिप मार रहे हैं इसके, मुझे मेरे ख्याल से अपने को इसके दोस्तों टायर चेंज करवा लेने चाहिए, टायर की ग्रिप तो बिल्कुल थोड़ी सी मतलब मुझे उतनी अच्छी ही नहीं लगी यार, मुझे परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो रही है और ये अपने आ गई है, स्लिप नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों स्कॉर्पियो तो फटाफट फटाफट फट, ओ देखो देखो मैंने कहा था ये रहा कोगर। अब देखो ऐसे चढ़ाई के टाइम पर जानवर अगर सामने आ जाएंगे तो फिर क्या आएगा भाई, पहले यार यहाँ पे हम लोग फिसल रहे हैं, देख रहे हो अब भाई चढ़ाई देख रहे हो भाई बहुत ही तीखी होती जा रही है, बस बस अभी मत फिसलना, अभी मत फिसलना भाई, अभी मत फिसलना प्लीज़ भाई, अभी मत फिसलना। ये ज़बरदस्त अच्छी ऑफ रोडिंग हो रही है भाई ज़बरदस्त, और जैसा कि बस 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 पहुंचना है यहाँ पे, अभी वो 180 डिग्री टर्न कहाँ चला गया? अरे 180 डिग्री है, 360 डिग्री टर्न था, हाँ 360 डिग्री टर्न था भाई, वो शायद आ गया दोस्तों, अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। और देखो भाई अपने दोनों गाड़ियाँ भाई बढ़िया ऑफ रोडिंग कर रही है, क्या बात है ज़बरदस्त। वैसे दोस्तों यार बहुत दिन से मुझे यार आपको सिनेमैटिक व्यू दिखाना था, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत दिन से सिनेमैटिक व्यू दिखाया नहीं था, तो यार आप लोग भी क्या चाहते हो कि ऑफ रोडिंग करने के बाद आप लोग सिनेमैटिक व्यू देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? अगर आप सिनेमैटिक व्यू देखना चाहते हो ऑफ रोडिंग करने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखो भाई अपनी जो गाड़ियाँ है फिर से स्लिप मार रही है,
वहाँ पे देखो क्रेटा भी स्लिप हो रही है और ये देखो मेरी हैरियर भी स्लिप हो रही है। अरे यार चढ़ जा रे भाई, चढ़ जा, थोड़ा स्लो लेना पड़ेगा थोड़ा। देखो क्रेटा भी वहाँ से स्लिप होके पीछे जा रही है। भाई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका? भाई क्रेटा पीछे जा रही है। रुको रुको रुको, पहले मैं अपनी गाड़ी को सीधे लगा लेता। क्या हो रहा है यार भाई, रुको एक बार फ्रैंकलिन भैया को चेकआउट कर लेता। भाई गाड़ी स्लिप तो नहीं हो गई? नहीं 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 हुई। देखो भाई जल्दी चेकआउट करने निकला ही था कि आ गए। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो चलो अभी चलते हैं वापस। आधा किलोमीटर बचा है, सिर्फ और सिर्फ आधा किलोमीटर। भाई जल्दी पहुंच जाएंगे। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते मैं यहाँ पे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सीधा दिख रहा है। और देखो भाई वो आ गया 360 डिग्री टर्न, जो मैंने बात किया था दोस्तों, वो सामने ही अपना 360 डिग्री टर्न। इसमें थोड़ा संभल के रहना पड़ता भाई, क्योंकि ये जो टर्न है बहुत ही एकदम छोटी सी एकदम बारीक सी जगह है यहाँ पे। लेकिन अपनी हैरियर ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर ली, क्या बात है। ये टर्न देख के मुझे हिमाचल के रोड की याद आ जाती है भाई। कभी भी डेडलीस्ट रोड ट्रकर्स में मैंने देखा था भाई कि बहुत ज़बरदस्त इस तरीके के रोड्स थे वहाँ पे। तो ये रोड्स देख के तो हिमाचल की याद आया ही जाती मुझे। और भाई बस अपन पहुँच गए लगभग ऊपर। अब पूरा सीधा रास्ता है दोस्तों और हल्की सी चढ़ाई है। देखो हाइकिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग। कहाँ चले गए भाई? ओ भाई कहाँ चले गए पता नहीं, गाड़ी देख के शायद गायब हो गए। बस बस अब पहुंच चुके हैं भाई। बस वो देखो माउंट चिलैट की वो जगह जहाँ पे सारे गेस्ट हाउस हैं और वहाँ पे बंदे हाइकिंग करने के लिए आते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन अपने को वो जगह पर नहीं जाने का, अपने को इस साइड में जाके अपनी गाड़ी को रखना है। और सामने देखो भाई बिल्ली एक है। नहीं 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 बिल्ली नहीं है, ये एक लकड़बग्घा है। हाँ ये एक लकड़बग्घा है या फिर एक भेड़िया है, पता नहीं क्या है भाई, एक भेड़िया है शायद से। हाँ भेड़िया है। चलो भाई पहुंच चुके हैं दोस्तों अपन ऊपर और फाइनली अपनी ऑफ रोड ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट होती है भाई। फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। लेकिन भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए मैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा कि मतलब हैरियर और क्रेटा दोनों से ही, क्योंकि भाई दोनों की दोनों कार्स थोड़ी थोड़ी स्लिप कर रही थी। अब दोनों के दोनों अपने 4x4 वेरियंट है, लेकिन फिर भी ये स्लिप कर रही थी। बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों के टायर्स अपन चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद दोस्तों हो सकता है कि ये बढ़िया ऑफ रोडिंग परफॉर्म करे। और क्या ऐसे ही ऑफ रोडिंग के एपिसोड्स आप और चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाले एपिसोड भी आप चाहते हो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सोच रहा हूँ भाई कि एक्सयूवी, क्रेटा, हैरियर, स्कॉर्पियो, थार, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, इन सब की एक साथ ऑफ रोडिंग की जाए, क्या बोलते हो? अगर आप लोग इस टाइप की ऑफ रोडिंग देखना चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है भाई। अगले वीडियो के लिए यही वाली ऑफ रोडिंग अपन करने वाले हैं। आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लेके आता ही रहूँगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।